care. अंदर आने की इजाजत नहीं दोगी? दिल में आने की इजाजत दे दी, फिर क्या चीज है? तुम आज ऑफिस क्यों नहीं है? सारी बातें यहीं खड़े खड़े करनी है क्या? Come on, come inside. Thank you. Nice bucket. Thank you so much. Where? हाँ श्योर से क्या पियोगे? कॉफी बना? नहीं थैंक यू, प्लीज बैठो। सो कैसे इरादा बना आज अचानक से? मैं सोच रहा था कि आज भी लॉन्ग ड्राइव पे चले। You know what? जब भी हम कभी लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं ना, तो वो सफर मेरी जिंदगी का हसीन तरीन और यादगार सफर बन जाता है। मैं इस सफर को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो? हाँ। वाकई मुझे प्रपोज कर रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुमसे मजाक कर रहा हूं? जन्नत अली खान आप सबको मोहब्बत का सलाम कहती है और वेलकम करती है चंदन जहां में। आज हमारा शो है वैलेंटाइन डे के बारे में और इसीलिए जो आज हमारा गेस्ट है वो एक ऐसा स्पेशल कपल है जो आप सबके दिलों के बहुत करीब है। उन्होंने मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल कायम की है और दुनिया को बताया है कि अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कुछ मुश्किल नहीं।
तो आइए वेलकम करते हैं अंतर और मुनज़्ज़ा को। अंगूठी वैसे वाकई बहुत अच्छी लग रही तुम्हारे हाथ में। काफी परेशान था कि अच्छी लगे, बस थैंक गॉड। तुम जन्नत को छोड़ रहे हो? उसका मेरा रिश्ता ही क्या है? बेमायनी खोखला। हाँ, हर रिश्ता तो है ना, तभी खत्म हो जाएगा। बहुत जल्द तुम तो जन्नत जहां में रहते हो, वो जन्नत कैसे छोड़ पाओगे? शायद इस दुनिया का पहला है वो इंसान हो जो जन्नत से निकलने का रास्ता ढूंढ। मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हो। थैंक यू उस बाबत का जो तुमने मुझसे किया। तो अगर ना होती तो पता नहीं क्या होता। अब तो मैं हूं ना, मुझे बताइए कि जब आपकी और मुनज़्ज़ा की शादी हुई थी तो उस वक्त आप शादीशुदा से पहले से जी, और मुनज़्ज़ा बल्कि आप भी, आपकी भी शादी हुई थी, लेकिन मेरे ख्याल से कोई ब्रेकअप चल रहा था आपका उस टाइम, है ना? जी ऐसा ही है। तो मुझे बताइए कि वो कौन सा लम्हा था जिसमें आपको एहसास हुआ कि मुनज़्ज़ा ही वो लड़की जिसके साथ आप सारी जिंदगी गुजारना चाहते हैं? इस बात पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हो जाती है इंसान से गलतियां, जल्दी में कह लें, नासमझी में कह लें, लेकिन जब से मैंने मुनज़्ज़ा को देखा मुझे लगा कि मुझे अपना फैसला ठीक कर लेना चाहिए। हो गई शादी। सही है ये भी। फैमिली से प्रेशर तो बहुत आया होगा आपको। जी, मेरी बेटी है, उसकी वजह से थोड़ी सी रिलक्टेंस थी, बाकी तो कोई मसला नहीं। अच्छा, आपकी बेटी भी है? जी, 2 साल की। लेकिन आप तो जानती हैं, मोहब्बत की ताकत इंसान से बहुत कुछ छुड़ा लेती। ये तो है, सही है। आपकी पहले बीवी ने सोशल मीडिया पे एक हंगामा किया था, तूफान खड़ा कर दिया था, आपको इतना जलील किया था उस वक्त, लेकिन हम दोनों की मोहब्बत का सलाम है कि आप आज भी इकट्ठे बैठे हैं, है ना? जी। वो पहली बीवी तो नहीं है, वो तो डिवोर्स हो गया है, तो आप पहली बीवी तो ना गए। मैं भी पता नहीं पहली बीवी कहती जा रही हूँ। अच्छा चलिए, ऐसे करते हैं कि आज वैलेंटाइंस डे है, तो आज एक हम गेम खेलते हैं और चेक करते हैं कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी है, ठीक है? शुक्र है तूने कुछ खाया तो सही। अब आप लोग इजाजत नहीं देते ना, तो मैंने खाना नहीं खाना था। देख, अब इजाजत दी है ना, तो कुछ उल्टा सीधा मत करना। क्या उल्टा सीधा? अब मैं तुझे क्या समझाऊं, पर तू कुछ समझदार है। मीडिया वालों के घर जाकर तू काम करेगी, पता नहीं वहाँ कौन कौन आएगा, पर तू खुद पर रंग मत चढ़ाना। लो, मैं क्यों रंग चढ़ाऊंगी अम्मी, मैं वहाँ जन्नत जी के लिए जा रही हूँ। मैंने फारूक से कह दिया कि तुझे ले जाए वहाँ कल। कल क्यों, आज क्यों नहीं? मैंने तो जन्नत जी को कह दिया था कि मैं आज ही आ रही हूँ। आज ही जाऊंगी मैं। पाया है तुझको जब से इश्क तेरा हमके तारे रक्स में जहां
तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? मैं कैसे पता मेरा मुंह बना हो? तुम कोई बात नहीं कर रहे? सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। वैसे फारूक तुम बड़े अच्छे हो, तुमने मुझे इजाजत लेकर दे दी, वरना मैं कुछ भी कर लेती ना, अब उन्हें इजाजत नहीं देनी। तुमने कहा था तो इनकार कैसे करता? मेरी जिंदगी का ख्वाब पूरा होने जा रहा है फारूक, सबसे बड़ा ख्वाब। जन्नत अली खान से मिलना तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब, उसके घर में काम करना तुम्हारा सबसे बड़ा ख्वाब बन। फारूक पता है मेरा इंतजार कर रही होंगी, उन्होंने बताया था मुझे फोन पे। नौकरों का कौन इंतजार करता है तबस्सुम? कितना कड़वा बोलने लग गया अचानक से, नौकर नहीं हूँ मैं। तो क्या हो तुम? गुलाम, बांदी, कनीज, कुछ भी कह दो, जन्नत अली खान के सामने तबस्सुम कुछ भी नहीं है। सीधा देख, खुद भी मरेगा मुझे भी मराएगा। तुम बात ही ऐसी की है, गुलाम, बांदी, कनीज, जो मुंह में तू बोली जा रही हो सच है? यही है। जी मैं तबस्सुम मुगल, मुझे जन्नत जी ने बुलाया है। जी मैडम ने कहा था कि आप लोग आ रहे हैं। जी जी मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। ठीक है। कितना प्यारा है ना, जन्नत अली का ताजमहल। मुझे ताजमहल अच्छा नहीं लगता। क्यों? मकबरे किसको अच्छे लगते? मोहब्बत और महबूब, चाहे ताजमहल ही क्यों ना। आ जाइए अंदर, आपको मैडम बुला रही है।